हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आज हम बनने वाले हैं होममेड पेपर मैशी। इससे पहले आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलना। चलो स्टार्ट करते हैं। इसलिए मैंने एक बाउल में कुछ पानी लिया है इसे, और कुछ जो पेपर्स मैंने लिया है, मैं न्यूज़पेपर यूज़ कर रही हूँ। इसकी जगह आप कुछ भी रूल पेपर, वाइट पेपर या फिर जो भी आपके घर में वेस्ट पेपर है आप यूज़ कर सकते हैं। और मैं छोटा साइज़ का पेपर मैशी बना रही हूँ, तो मैं सिर्फ 3 पेपर्स, बड़े बड़े पेपर्स न्यूज़पेपर यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको और भी बहुत बड़ा बॉल लगाना है, अप्रॉक्सीमेट आपको 6 और 7 यूज़ करना होगा न्यूज़पेपर। मैं आपको छोटा बना के दिखा रही हूँ। तो हम पहले जो है न्यूज़पेपर इसे छोटे छोटे पीसेस में हम पानी में डुबो देंगे, जिससे मैं आपको दिखा रही हूँ। मैं और भी पेपर्स रख रही हूँ यहाँ ऐसे। तो आई थिंक इतने पेपर्स मुझे, मैं जो साइज़ बना रही हूँ इतने पेपर्स इनफ है। और उसके बाद हम ऐसे रख देंगे छोटे छोटे पीसेस में। आपको और भी छोटे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पानी में रह के वही छोटे छोटे पीसेस हो जाएंगे। और कुछ समय बाद आप देख सकते हैं कि ये पेस्ट जैसे बन जाएगा। आपको जो पानी, अगर आपको पानी और भी कम दिख रहा है तो आप और पानी बा सकते हैं। आई थिंक मुझे इतना पानी बस है। और आप कुछ समय के लिए इसे रख दो, सो दैट वो पेस्ट जैसे बन जाएगा। तो जो मैंने छोटे छोटे पीसेस किया है, कुछ समय के लिए रख दिया, सो दैट वो पेस्ट बन गया। और मैंने कुछ एक बॉल लिया शेप, और उस पेपर को जो है मैंने कुछ बॉल को जो है बटर, ऑयल या फिर कोई भी घी है, मैंने पूरा बॉल को लगा दिया। और उसके बाद जो पेपर हमने लिया था, पानी में डुबो दिया था, वो मैंने अप्लाई कर दिया। और उसके बाद जो है ये वाला बाउल हमें 4 से 5 घंटों तक धूप में रखना होगा, सनलाइट के नीचे। अगर वहाँ रेनी सीजन कुछ भी हो तो आप करीबन 2 दिन रख सकते हैं, सो दैट ये सूख जाएगा और आसानी से बाहर आ जाएगा। आपको ध्यान रखना चाहिए कि इससे पहले आप जो बाउल को जो है बटर, ऑयल या फिर कोई भी घी को जो है स्लिप होने की चीज़ है लगाना होगा, सो दैट आसानी से बाहर आ जाएगा, ये मत भूलना ये स्टेप। तो उसके बाद हम इसे लगा देंगे और सनलाइट में रख देंगे, जैसे मैंने आपको पहले कहा था। उसके बाद आप रिजल्ट देख सकते हैं। तो आप रिजल्ट देख सकते हैं, तो वो बॉल जो है आसानी से बाहर आ गया था। तो मैंने जो है आपके घर में, मुझे लगा कि पिंक और ग्रीन कॉम्बिनेशन बेस्ट होगा, तो मैंने बीच में ग्रीन लगा दिया और पीछे ग्रीन, और बीच में यहाँ मैंने यहाँ स्टार लगा दिया, और कुछ चमकी टाइप डेकोरेट कर दिया यहाँ पीछे तरफ। आप देख सकते हैं अच्छा सा बन गया था। और आप अगर कुछ कोई भी पेंट यूज़ कर सकते हैं सूख के बाद। आपको अगर आपको तभी भी लगा कि और भी सूखना चाहिए तो और भी आप सुखा सकते हैं, कितना सूखा उतना बेस्ट है। तो मुझे रिजल्ट आ गया, एक पेपर मैशी बन गया, सेम लाइक बॉल है। आपको कोई डाउट भी नहीं आएगा कि ये एडिटो पेपर मैशी पेपर बॉल जैसा लगेगा। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ। अगर आपको प्लीज़ पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलना। बाय दोस्तों।